हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन पर। आज मैं आपके सामने हॉलीवुड मूवी 2023 को रिलीज हुई प्लान मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस मूवी को गूगल यूजर ने 89% लाइक किया है और IMDb ने इस मूवी को 6.5 की रेटिंग दी है। यह एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में जानेंगे कैसे एक पायलट ने अपने 14 पैसेंजर की जान बचाई। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेन ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन पर। कहानी की शुरुआत होती है 2022 की हैप्पी न्यू ईयर की रात। हमें सिंगापुर एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रॉडी टॉरिस को देखते हैं। ये एक पायलट है और ये एयरलाइंस फ्लाइट 119 उड़ाते हैं। वे कॉल पर अपनी बेटी से बातें करते हुए फ्लाइट की तरफ आ रहे हैं। ब्रॉडी टॉरिस की बेटी कैलिफोर्निया में रहती है और ब्रॉडी स्कॉटलैंड में रहते हैं। वे अपनी बेटी से बोलते हैं, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। ब्रॉडी फ्लाइट में चढ़कर अपने क्रू मेंबर से बातें करते हैं। फ्लाइट 119 सिंगापुर से टोक्यो जाएगी और इस फ्लाइट के अंदर 3 क्रू मेंबर 14 पैसेंजर हैं। ब्रॉडी के पास फ्लाइट मेंबर आता है और ब्रॉडी को बोलता है, आगे मौसम खराब है, तुम फ्लाइट को दक्षिण चीन सागर के रास्ते थोड़ा शॉर्ट से ले जाना। फिर थोड़ी देर बाद कनाडा का पुलिस ऑफिसर फ्लाइट पर चढ़ता है और उसके साथ एक क्रिमिनल होता है और इसका नाम है लुइस गैस्पर। ऑफिसर ब्रॉडी को बोलता है, हमें बहुत जल्दी है, क्रिमिनल को टोक्यो ले जाना है। ब्रॉडी पुलिस ऑफिसर को बोलता है, इसको दूसरे पैसेंजर से दूर रखना। फिर कुछ देर बाद फ्लाइट सिंगापुर से टेक ऑफ हो जाती है। ब्रॉडी अपने साथ के पायलट से अपनी फैमिली की बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगता है। ब्रॉडी पैसेंजर को बोलता है, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फिर अचानक फ्लाइट के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। एक बिजली फ्लाइट के ऊपर गिरती है और फ्लाइट का एक इंजन बंद हो जाता है। पूरी फ्लाइट में अंधेरा हो जाता है। सारे पैसेंजर डर जाते हैं, मगर ब्रॉडी नहीं डरता क्योंकि उसको फ्लाइट उड़ाने का 20 साल का एक्सपीरियंस है। फिर फ्लाइट में एक और जोरदार धमाका होता है और फ्लाइट सीधे नीचे आने लगती है। इस धमाके में क्रिमिनल लुइस को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। ब्रॉडी फ्लाइट को बड़ी मुश्किल से एक जंगल में लैंड करा देता है। सारे पैसेंजर बच जाते हैं, मगर उनमें से किसी को पता नहीं है वे किस जगह पर हैं। वहाँ पर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। इन सब के बीच लुइस चुपचाप बैठा था। लुइस कहीं नहीं भागा था। ब्रॉडी लुइस की हथकड़ी खोल देता है और बोलता है, तुम भागे नहीं लुइस। लुइस बोलता है, इस जंगल में मैं कहाँ जाऊंगा। उन सबको पता नहीं था वे किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये जंगल फिलीपींस के जोलो टापू पर है और ये इलाका नक्सली धातु का है। फिर न्यूयॉर्क शहर में ट्रेल ब्लेजर का बॉट लैंड को बुलाता है 119 प्लेन का पता लगाने के लिए। कुछ देर बाद दातू का आदमी दातू को बोलता है, कल रात मैंने फ्लाइट को बहुत नीचे आते देखा था, मुझे लगता है ये जंगल में लैंड हुई है। दातू अपने आदमियों को बोलता है, पता लगा उस फ्लाइट का। दूसरी तरफ ब्रूनो लुइस को बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, जब फ्लाइट नीचे आ रही थी तो मैंने कुछ घर देखे थे, शायद वहां से कुछ पता लग जाए हम कहां पर हैं। फिर वे दोनों पता करने चले जाते हैं और उनको एक खंडर जैसा घर दिखता है। वहां पर एक फोन होता है। ब्रॉडी अपनी बेटी को कॉल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूं, मगर अचानक दातू का आदमी आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को खूब फाइट मारते हैं, मगर ब्रॉडी उसको मार देता है। फिर वे दोनों प्लेन की तरफ जाते हैं और उनको गोलियों की आवाज सुनाई देती है। लुइस गाड़ी के ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देता है और ब्रॉडी को बोलता है, सुनो गोलियों की आवाज, शायद वे नक्सली फ्लाइट के पास पहुंच गए हैं। फिर वे दोनों देखते हैं दातू ने सभी पैसेंजर को बंधक बना लिया है और गोलियों की फायरिंग कर रहा है आसमान में। उसने 2 कोरियन लोगों को मार दिया है। ये सब देखकर ब्रॉडी से रहा नहीं जाता, मगर लुइस ब्रॉडी को रोक लेता है। दातू अपने 2 आदमियों को प्लेन पर रुकने के लिए कहता है और सब पैसेंजर को लेकर चला जाता है। ब्रॉडी और लुइस उन दोनों नक्सलियों को पकड़कर पूछते हैं, दातू पैसेंजर को लेकर कहां गया है। वे नक्सली दातू के अड्डे का पता बता देते हैं। फिर लुइस उन दोनों को मार देता है। ब्रॉडी लुइस दातू के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लुइस बड़ी चालाकी से दातू के आदमियों को मारता है और पैसेंजर को छुड़ा लेते हैं। ब्रॉडी लुइस को बोलता है, तुम बस में लेकर इन सबको जाओ, मैं कुछ और बचे हुए नक्सलियों को ध्यान भटकाता हूं, अगर हम साथ में गए तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे ये लोग। ब्रॉडी उन नक्सलियों के पास जाता है और बोलता है, उन पैसेंजर को जाने दो, मगर दातू अपने आदमियों से बोलता है, इसको मारो। और जैसे ब्रॉडी को गोली मारने वाले होते हैं, स्कॉटलैंड के कमांडो आ जाते हैं। नक्सलियों और कमांडो के बीच फायरिंग होती है, हर तरफ गोलियां चलती है। कमांडो नक्सलियों को मार देते हैं और ब्रॉडी को लेकर बस में प्लेन की तरफ जाते हैं, मगर कमांडो से दातू बच गया था। दातू अपने आदमियों को मरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वे अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर प्लेन की तरफ निकल पड़ता है। ब्रॉडी पैसेंजर प्लेन के पास में आ जाते हैं। कमांडो ब्रॉडी को बोलते हैं, कैप्टन हमारे पास बहुत कम टाइम है उनको रोकने का, आप प्लेन को जल्दी ठीक करके यहाँ से निकलो। मगर कुछ देर बाद दातू अपने आदमियों के साथ आ जाता है और फायरिंग चालू कर देता है। हर तरफ फायरिंग हो रही थी। लुइस दातू के आदमियों को मार रहा था। उन नक्सलियों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कमांडो की गोलियां खत्म हो गई थी। कमांडो लुइस को बैग में से गोलियां लाने को कहते हैं। जब लुइस बैग के पास जाता है, वह देखता है एक बैग नोटों से भरा हुआ है। ये बैग कमांडो नक्सलियों को देने के लिए लाए थे ताकि वह पैसेंजर को छुड़ा सके। लुइस कमांडो को गोलियां
लफड़ा देता है और फायरिंग चालू होती है। मगर अब ब्रॉडी ने प्लान को ठीक कर दिया था। ब्रॉडी कमांडो को बोलता है, प्लेन टेक ऑफ होने से पहले तुम बैठ जाना। प्लेन धीरे धीरे चलता है। दातू प्लेन को देख लेता है और उसका आदमी रॉकेट लॉन्चर मारने वाला होता है, मगर लुईस को मार देता है। कमांडर लुईस को बोलते हैं प्लेन में जल्दी से बैठो, मगर लुईस बैग को देखता है और नोट से भरा बैग लेकर निकल जाता है। प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। दातू प्लेन के सामने आ जाता है रॉकेट लॉन्चर लेकर, मगर प्लेन तेज स्पीड से दातू को टक्कर मारता हुआ उड़ जाता है। ब्रॉडी पास के शहर में प्लेन को लैंड करा देता है और सब पैसेंजर खुश हो जाते हैं। सब ब्रॉडी की तारीफ करते हैं। ब्रॉडी अपनी बेटी को फोन करता है और बोलता है, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ ये शानदार मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। गुड बाय।